रामवीर सिंह विदुड़ी को बीजेपी ने साउथ दिल्ली से अपना उम्मीदवार बनाया है। सर, क्या क्या चुनौती है, क्या क्या मुद्दे हैं साउथ दिल्ली में इस वक्त? देखिए, कोई चुनौती है ही नहीं, लोगों ने मन बना लिया है। केवल दिल्ली के लोगों ने नहीं बल्कि देश के लोगों ने, दिल्ली की सातों की सातों सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार भारी मतों से चुनाव जीतेंगे। 70% से ज्यादा वोट इस बार भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों को मिलने वाला है। मुझे एक महीने में दिल्ली के अलग अलग कोनों में जाने का मौका मिला है। लोगों ने कहा कि इस बार हम इतने प्रसन्न हैं प्रधानमंत्री जी से भी और भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से भी, और जब वोट डालने के लिए जाएंगे, जब रिजल्ट आएगा, तो प्रधानमंत्री जी और पूरा देश जो है ना, वो आश्चर्यचकित हो जाएगा कि क्या कमाल हुआ है। तो लोग जाति धर्म से ऊपर उठकर मोदी जी के उम्मीदवारों को वोट देने के लिए जा रहे हैं। दिल्ली के साथ उम्मीदवार भारी मतों से चुनाव जीतेंगे, 70% से ज्यादा उनको वोट मिलेगा और पूरे देश में 400 से ऊपर सीटें मिलेंगी और मोदी जी शान के साथ तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। यही देशवासियों की इच्छा है और ये इच्छा दिल्ली के लोगों की है। पहली लिस्ट के अंदर चार नाम ऐसे हैं जिनका पूरी तरीके से बदल दिया गया, नए चेहरे उतारे हैं। रमेश विधुड़ी जो कि साउथ दिल्ली से दो बार सांसद रहे हैं, क्या वजह रही उनकी टिकट कटने की? क्या आपकी उनसे बातचीत हो पाई? देखिए, आज ही मेरी रमेश जी से फोन के ऊपर बात हुई है और कल मैं उनको जाकर उनके निवास पर मिलूंगा। मेरा उनका घर आसपास में ही है, एक ही गांव के हम दोनों रहने वाले हैं। वो मेरे छोटे भाई हैं और सभी हमारे पार्टी के कार्यकर्ता मिलकर इस चुनाव को लड़ेंगे। सभी का भरपूर आशीर्वाद मेरे साथ भी है और सभी लोग पार्टी की नीतियों के लिए, पार्टी की विचारधारा के लिए, और श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो देश को बहुत तेजी से विकास के रास्ते पर आगे बढ़ाया है और अनेक जनकल्याणकारी योजनाएं शुरू की हैं, तो देश के कोने कोने के लोग आज मोदी जी की नीतियों से बहुत खुश हैं। और इस बार का चुनाव, जैसे मैंने कहा है कि इस बार का जो चुनाव है वो लोगों ने मन बना लिया है कि मोदी जी को और उनके उम्मीदवारों को चुनाव जिताकर भारी मतों से भेजेंगे। आखिरी सवाल, क्या वजह रही जिसके कारण जो कैंडिडेट्स हैं उनके टिकट कटे, खासतौर पर रमेश विदुड़ी? क्या लगता है संसद में जो उन्होंने दानिश अली को टिप्पणी करी, क्या वो वजह रही? नहीं, देखिए, मुझे इसके बारे में कुछ भी मालूम नहीं है। पार्टी की लीडरशिप ने जो भी फैसला लिया है, एक कार्यकर्ता के रूप में मैं इस चुनाव को लड़ूंगा और सभी पार्टी के कार्यकर्ताओं का भरपूर सहयोग मुझे मिल रहा है। आज देखे ना, हजारों कार्यकर्ता आज मेरे निवास पर पहुंच गए हैं अपना समर्थन और अपना आशीर्वाद देने के लिए। सभी का सहयोग मुझे इस चुनाव में मिलेगा। गठबंधन चुनौती देगा जी? इंडिया गठबंधन नहीं, कोई कुछ भी नहीं है। मैंने बताया ना आपको, इस बार लोगों ने लोकसभा चुनाव के लिए तो मन बना लिया है कि मोदी जी के उम्मीदवारों को भारी मतों से चुनाव जिताकर पार्लियामेंट में भेजेंगे। और मैं आज आपके चैनल पर ये बात कह रहा हूँ, जब रिजल्ट आएंगे तो आप देखकर आपको आश्चर्य होगा, इस बार भाजपा के उम्मीदवारों को किसी भी सीट पर 70% से वोट कम नहीं मिलेगा। कमाल का उत्साह लोगों में, तूफान है। और मेरा 53-54 साल का राजनीतिक जीवन है, मैंने इस तरह का तूफान, इस तरह का उत्साह देश के किसी नेता के प्रति नहीं देखा, जो आज आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति, चाहे वो किसी भी जाति धर्म मजहब से संबंध रखते हो, उनके मन में है। वो एक कमाल का दृश्य मुझे देखने को मिल रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। रामवीर सिंह विदुड़ी का साफ तौर पर कहना है कि सातों लोकसभा सीटों पर बीजेपी को 70% से ज्यादा वोट जो है वो हासिल होंगे। बंपर जीत सातों सीटों पर बीजेपी हासिल करेगी। कैमरा पर्सन अजय सिन्हा के साथ सुशांत मेहरा, दिल्ली, आज तक।